उत्तराखंड में बारिश से आफत ही आफत दिख रही है। जी हाँ, कहीं पहाड़ गिरे तो कहीं बारिश का दौर जारी है। कई क्षेत्रों में तकरीबन 16 घंटे लगातार वर्षा से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। इस बीच देहरादून की सड़कों पर पानी का सैलाब दिखा और यहाँ पर हालात बेहद डरावने थे। देखिए, वही अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट घोषित कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिन हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हैं। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट घोषित किया गया है। और चार धाम यात्रा की बात करें तो यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन के कारण बार बार आवाजाही बाधित हो रही है, जिससे हजारों श्रद्धालु जगह जगह फंस चुके हैं। और गुरुवार को केदारनाथ धाम समेत आसपास की चोटियों में हिमपात से घाटी का तापमान गिर गया है।